के पुण्यार्जक हैं अरहसागर गुरु भक्त परिवार। उस समाज के सम्मान और उदारता हम सब के लिए मिलती है, क्योंकि समाज की उदारता और सम्मानता नहीं मिले तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। यदि हमारा जीवन बढ़ रहा है तो एक दूसरे के सहयोग से ही बढ़ता है। तो तीसरी बात है ऋण चुकाने की। ऋण चुकाने का मतलब होता है जो तुमने कर्जा लिया था अब उसे हमें चुकाना है। किस रूप में चुका सकते हैं, कैसे चुका सकते हैं, हमारे लिए सोचना है। आपने लिया है तो कम समय में अपना ऋण चुकाए, और चुकाने के बाद तुम अपने जीवन को धन्य समझो कि आज मैंने किसी से लिया था, आज मैं चुका करके अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझ रहा हूं। अब मैं ऊरण हो गया हूं, अब ऋण हमारे ऊपर नहीं है, कर्ज हमारे ऊपर नहीं है, अब तुम सुख और शांति की नींद ले सकते हो। यदि जब तक तुम कर्जदार बने रहते हो तो कर्ज के कारण चिंता में आपका जीवन बीतता है, रात की नींद भी छिन जाती है, दिन की रोटियां भी तुम्हें हजम नहीं होती हैं, एकमात्र चिंता रहती है कि मुझे कर्ज देना है, मुझे कर्ज देना है, मुझे कर्ज चुकाना है, मुझे कर्ज चुकाना है। कर्ज चुकाने का फर्ज हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। ये मन में भावना होना चाहिए कि मैंने किसी से लिया है तो इसका मुझे देना है, अंतिम श्वास तक मैं दे पाऊं, ये भावना भाना चाहिए। और आप नहीं दे पाओ तो कम से कम अपने बच्चों से कह करके तो जाओ कि मैंने अमुक व्यक्ति से ये लिया था, अब मुझे इनका देना है। और यदि मैं ना दे पाऊं तो तुम लोगों को पाई पाई से देना चाहिए। जमाना बदल गया है। आजकल होता क्या है, लोग भूल जाते हैं और भूलने के बाद उनको पता ही नहीं है कि हमने किसी से ऋण लिया था कि नहीं लिया था। जो लोग याद रखते हैं वो हमेशा अपना ऋण चुकाने की सोचते हैं। चौथी बात है ऋण उतारना, मतलब जो तुमने लिया था, जो कर्जा तुम्हारे ऊपर था, उस कर्जे को उतारना है। ऋण देने वाले के प्रति हमारे हृदय में जीवन पर्यंत कृतज्ञता बनी रहना चाहिए, क्योंकि ऋण उतारना हमारा एक धर्म होता है। धर्म वह धर्म जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है कि मुझे ऋण उतारना है, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गलती नहीं करता है। उसके हृदय में, उसके मन में हमेशा ये भाव बना रहता है कि सामने वाले ने हमें विषम परिस्थितियों में हमारा योगदान सहयोग दिया है, अब मुझे जीवन पर्यंत इनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते रहना चाहिए। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए कि हम इनकी उदारता को सम्मान दें, इनकी उदारता को हम बहुमान दें, जिससे हमारे जैसे अन्य लोगों को ये कर्ज दे सकें, सहयोग कर सकें। ये हमारे हृदय में भाव होना चाहिए। कितना भी समर्थ क्यों ना हो जाएं, पर सामने वाले का ऋणी बने रहना चाहिए। कितना भी समर्थ हो उसका ऋणी बने रहना, उसके प्रति कृतज्ञता हमारी दृष्टि में रहना। किसी भी व्यक्ति पर मुझ पर उपकार है तो उसके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कभी 5,000 करोड़ का स्वामी था, लेकिन एक दिन वह सामान्य व्यक्ति को लेकर के आया और कहता है महाराज श्री, मेरे साथ ये जो व्यक्ति हैं इनके पिताजी ने मेरे पिताजी के लिए कभी कुछ सहयोग दिया था। और यह वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारे लिए व्यापार में सहयोग दिया था। मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति भी मेरे जैसे बने, आप इनको आशीर्वाद दें। तो सामने वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखो, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, तुम्हारा भाग और पुण्य था, मैं तुम्हारे लिए निमित्त बना, सहयोगी बना। ये उदारता हमारे मन में यदि आती है तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये उदारता हर व्यक्ति के मन में, हृदय में आना चाहिए। यदि तुम्हें विषम परिस्थितियों में किसी ने सहयोग दिया है तो कभी भी उसके सहयोग को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज तुम्हारा पुण्य जागा, आज तुम इतने ऊपर उठ पाए तो किसके सहयोग से उठ पाए, सामने वाले की उदारता को सम्मान दें।
सामने वाले के प्रति कृतज्ञ बने रहना हमारा ये धर्म और कर्तव्य होता है। तो ऋण चार स्थितियां होती हैं। पहला है ऋण देने वाले लेने वालों में, ऋण देने वालों में, ऋण चुकाने वालों में और ऋण उतारने वालों में। आप अपने अंदर झांक करके देखो कि हम किन लोगों में आते हैं। ऋण लेने वालों में आते हैं, ऋण देने वालों में आते हैं, ऋण चुकाने वालों में आते हैं या कि उतारने वालों में आते हैं। ये चार प्रकार का ऋण है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। सबसे बड़ा ऋण है पैसों का ऋण। पैसों का ऋण क्या कहलाता है? जिसे आप लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, अर्थ के अभाव में सब व्यर्थ होता है। आज जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार को आगे बढ़ाना है तो बैंक से लोन लेते कि नहीं लेते? लेते ना, बोलो। बैंक से आप लोग लोन लेते हो कि नहीं लेते हो? जब व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यापार को और ऊंचा उठाना है और आपके पास अपेक्षाकृत पैसे उतने नहीं हैं, तो आप क्या करते हो? ब्याज से पैसे लेते हैं, बैंक से उठाते हैं, समाज से लेते हैं और लेते हैं कि बाद में चुकाने की भी भावना रखते हैं। तभी ना तुम्हारा व्यापार अच्छे से आगे बढ़ पाएगा, तभी ना तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। ये पैसे का ऋण होता है। नीति कहती है जहां तक बने जीवन में कभी ऋण नहीं लेना चाहिए। नीतिकार कहते हैं जीवन में बने तो कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए, कर्जदार मत बनो। क्योंकि कर्जा कहते हैं ब्याज दर इतनी आगे दौड़ती है, कहते घोड़े की चाल से भी ब्याज आगे दौड़ता है। व्यक्ति पूरी जिंदगी पर व्यापार करते करते उसका कर्जा पूरा नहीं होता है, पैसे भी नहीं चुका पाता है और यदि व्यापार फेल हो गया तो दिवाला जरूर निकल जाता है। तो कर्ज लेकर कोई काम मत करना। तुम्हारी कमाई कम हो तो खर्चा कम कर लेना, पर ओवर एस्टीमेट बन करके काम नहीं करना। हमारे यहाँ नीति वाक्य है, उसमें ऐसा लिखा है कि तुम्हारी जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, जितनी रकम हो उतना व्यापार करना चाहिए। यदि तुम्हारा भाग और पुण्य होगा तो व्यापार आगे बढ़ेगा, नहीं तो जितना है उतने में अपना संतोष रख करके काम करना चाहिए। क्योंकि कर्ज किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और कर्जदार व्यक्ति किसी को पसंद भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते पसंद? क्योंकि ये तो पत्थर की नाव है, इस पर जो भी दोगे और दोगे तो वह सब डूबने वाला है। इसलिए हमें कर्ज से बचना चाहिए, कर्ज ना करना पड़े ऐसा काम और व्यापार करना चाहिए। अगर ऋण लेना है तो किससे लेना? जो नीतिवान हो, उदार मना हो, धार्मिक हो, और उससे ऋण लेना चाहिए। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है उसके दरवाजे पर कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए। वो पैसे के लिए जी रहा है, तुम्हारी उदारता और दान के लिए नहीं जी रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। परिस्थिति हर व्यक्ति की एक सी हमेशा नहीं होती है, हर परिस्थिति में व्यक्ति बदलता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है। उतार चढ़ाव यदि जीवन में जो आ रहा है उसमें हमें समता भाव रखना है। आज यदि हमारे जीवन में विषम परिस्थिति जुड़ी है तो निश्चित मान करके चलना, कभी ना कभी तो दिन अच्छे आएंगे, कभी ना कभी तो हमारे जीवन में सुख शांति जैसे क्षण आएंगे। आज विषम परिस्थिति यदि आ रही है तो कर्मों का उदय है, कर्मों का खेल है। आज हमें समता से भोगना है, सहन करना है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, कोई बात नहीं, इतना पेशेंस रखो, पुण्य कमाओ, भगवान की भक्ति करो। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री के पास एक श्रावक आए, वो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर थे, व्यापार भी उनका फेल हो गया और यहाँ तक कि मरने की नौबत उनकी आ गई। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, फाइनेंस स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, मुझे कुछ सहयोग की अपेक्षा है और आपका आशीर्वाद मिले, किसी से मुझे सहयोग मिल जाए तो मेरा घर परिवार ठीक से व्यवस्थित हो जाए। सब बात सुनने के बाद आचार्य श्री ने यही कहा कि दान करो। क्या करो?
दान करो। अब सामने वाले के पास तो कुछ है नहीं है, दान करे तो कहां से करे। बोले जो भी तुम्हारे पास है दान करो। उसके पास कुछ पैसे थे, उसने वो पैसे के सारे गुल्लक में डाल दिए। फिर बाद में वो घर गया, कहीं से उसने व्यवस्था की किराए वगैरह के लिए और जाकर के अपने घर गया। धीरे धीरे उसके व्यापार में विकास होने लगा, धीरे धीरे वह सब कुछ अच्छा करने लगा और आज उसकी स्थिति पहले से लाख गुना अच्छी है। यदि गुरुदेव थोड़ा बहुत कहीं से सहयोग करा देते तो वो तो लालची बन जाता, फिर कुछ परिस्थिति ऐसी विपरीत आती फिर हाथ फैलाता। हमारे गुरुदेव कहते हैं सहयोग नहीं सलाह दो। आप बार बार किसी को पैसे देते रहोगे, सहयोग करते रहोगे तो उसकी तो आदत बन जाएगी। चलो कम पड़ गए फिर लेकर के आते हैं, आज इस समाज से कल उस समाज से। नहीं, उनको इतना सक्षम बना दो, उनको अपने पैर पर खड़े कर दो ताकि उसका परिवार समझ जाए, उसका व्यापार भी समझ जाए और आगे अपनी ग्रोथ बढ़ाए, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ये सहयोग हमें करना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। ऋण पाप का ऋण। पाप का ऋण क्या है? हमने जो जीवन पाया है पुण्य से पाया कि पाप से पाया, बोलो है? पुण्य से पाया, पाप से पाया। आज जो जीवन हमें मिला है पुण्य से नहीं मिला है, मिथ्यात कर्म के उदय से आज हमने जन्म लिया। यदि हमारा सम्यक हमारे पास होता, सम्यक दर्शन होता, तो यहां जन्म ना लेकर के कहीं और जन्म लिया होता। अब जो पाप से हमें जीवन मिला है, मिथ्यात के द्वारा जीवन मिला है, अब इससे पुण्य कमा करके पाप का कर्जा उतारना है। कैसे कर्जा उतारना पाप का? जो जीवन में तुमने पाया है उस जीवन को अब कहां पर लगाना है? धर्म ध्यान में लगाना है। इस जीवन को पाप के कार्यों से हटा करके पुण्य के कार्य में लगाओगे तो पुराना तुम्हारा कर्म कटेगा, कर्म उतरेगा और नया पुण्य बनेगा, जीवन धन्य होगा। आप चाहते हो कि हमारा पुराना कर्म यानी जो अशुभ कर्म है, जो पाप कर्म है, जिस कर्म से हमने इस जीवन को पाया है, अब इस जीवन से नया कुछ अच्छा करेंगे, पुण्य के कार्य करेंगे, सत्कार्य करेंगे, जिससे हमारा जीवन समृद्धशाली बने, जिससे हमारा जीवन पुण्यमय बने, जो हमारे जीवन को सम्यक को दिलाने में समर्थ बने। ऐसा धर्म कर्म जब हम करेंगे, सम्यक को प्राप्त करेंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे और अनंत काल के लिए हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर पाएंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाएंगे। इस पाप के कर्ज से मुझे मुक्त होना है। पाप का कर्जा अच्छा नहीं माना जाता है और पुण्य कर्म का कर्जा तुम्हें पुण्यात्मा बनाता है और पाप कर्म का कर्जा तुम्हें पापात्मा बना देता है और पाप नरक निगोद की यात्रा की ओर ले जाता है। तो लिया नहीं जाता है, इस पाप के कर्जे को उतारा जाता है। उतारना तुम्हारे हाथ में है, चुकाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब धर्म करोगे तो पुण्य बढ़ेगा और जब पुण्य बढ़ेगा तो तुम्हारा पाप का कर्जा अपने आप उतरेगा। पाप का ऋण क्या है? हमारे ऊपर जो भी बोझ है पाप का है, वह सब पाप ऋण है जो हमें कर्जदार बना है, अपने आप चढ़ गया है। हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी मिथ्यात के कारण जो कर्म पाप का चढ़ा है, अब उसको उतारने का हमें क्या करना है? पुण्य के रूप में उद्यम करना है। ये उद्यम जब तुम करोगे तो हम आज कर्जदार हैं, कर्ज से मुक्त होंगे और जब मुक्त तुम हो जाओगे, संसार तुम्हारा धीरे धीरे छूट करके एक दिन तुम सिद्धत्व की ओर बढ़ेंगे। सिद्धत्व की ओर वही बढ़ पाता है जो कर्म से मुक्त होता है, जो पाप कर्म से मुक्त होता है। पुण्य फला अर्हंता, ये हमारे आचार्यों ने कहा है। पुण्य का फल अर्हंत पद है। इस अर्हंत पद को पाने के लिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति तरसता है। ये पुण्य प्रकृति ऐसे नहीं मिलती है, सारी पाप प्रकृतियों में एक पुण्य प्रकृति आती है, तीर्थंकर प्रकृति। और तीर्थंकर जो बनता है वो सारी की सारी
अशुभ प्रकृतियों का क्षय करके एकमात्र पुण्य प्रकृति को बांधता है जिसे तीर्थंकर प्रकृति बंध कहते हैं। वह तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कहाँ पर होता है? तो आचार्य कहते हैं केवली श्रुत केवली के चरणों में सम्यक दृष्टि बैठ करके, अभिरत सम्यक दृष्टि बैठ करके वह भावना भाता है, अपने कल्याण की ही भावना नहीं भाता है। संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण कैसे हो, ये भावना भाता है। उसकी दृष्टि निर्मल दृष्टि हो जाती है, उसकी दृष्टि में अब कोई दोष नहीं रहता है, कोई राग नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है। उसकी दृष्टि एकमात्र निर्मल दृष्टि होती है। संसार के जो जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय की मन की बात सोचता है कि इसका पाप कर्म कैसे क्षय हो, इसका अच्छा कैसे हो, इसका भला कैसे हो, ये नरक से निकल करके पुण्य बंद करके कैसे स्वर्गों की विभूति को प्राप्त करे, स्वर्ग से आकर के मनुष्य बनकर के मुनि बनकर के कैसे अपने आत्मा का कल्याण कर सके, ये भावना उस समय दृष्टि जीव की होती है। अपने कल्याण की मात्र नहीं सोचता है, संसार के हर प्राणी का कल्याण कैसे हो इस बारे में वह सोचता है। तो पाप कर्म के बोझ से बचें और पुण्य कर्म को अपने जीवन में फलीभूत करें, पुण्य को अपने जीवन में लाएं। कैसे लाएं? तो धर्म के द्वारा हम अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं, दूसरों के परोपकार के कार्य करके अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं, दूसरों का सहयोग करके अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं, दूसरों के कर्ज को उतार करके अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी ने यदि आपके दुर्व्यवहार किया, आपके साथ किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो यदि आपने उसको जवाब दे दिया है, प्रतिक्रिया कर दी, तो समझ लो तुम और पाप के भागी बन गए। और यदि किसी ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, गलत कहा है, और उसको आपने समता से सहन कर लिया और सहन करके उसको वहीं छोड़ दिया, तो समझ लो तुमने पुण्य कर्म को कमा लिया। नए कर्मों को काट दिया और पुराने कर्मों को काट दिया और नए पुण्य कर्म को बांध लिया। समता करके, समता रख करके हमने अशुभ कर्मों को टाल करके और पुण्य के रूप में बदल करके अपने जीवन को धर्ममय बना लिया। क्योंकि व्यवहार कोई हमारे साथ अच्छा भी करता है, कोई बुरा भी करता है। बुरे में हम जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और अच्छे में जल्दी हम प्रसन्न हो जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं दोनों में हमें समता रखना है। कोई गलत व्यवहार भी करे तो उसमें हमें उद्वेलित नहीं होना है, कोई अच्छा भी व्यवहार करे उसमें हमें ज़्यादा फूलना नहीं है। क्योंकि ये दोनों कर्म की पर्याय हैं। आज कोई तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है तो आपका पुण्य का उदय है, और कोई बुरा व्यवहार कर रहा है समझ लो पाप कर्म का उदय है। ये तो संसार है, चलता रहता है। इसमें मुझे समता रखना है, शांति रखना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि ये फल जो मुझे मिल रहा है, ये जो हम भोग रहे हैं, हमारे अपने पाप कर्म का ही तो उदय है। आज कोई निमित्त बन रहा है पाप कर्म के द्वारा ही तो बन रहा है। पुण्य कर्म यदि हमारा अच्छा होता तो लोग मुझे चाहते, हाथों पर लेकर के चलते। लेकिन कोई बात नहीं, आज कर्म उदय में आया है, यह भी निकल जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी छूट जाएगा। बस थोड़े देर की बात है। यदि आज रात आई है तो कल सुबह होने वाला है। आज कोई कष्ट आया है तो कल अच्छा आने वाला है। कष्ट भी जाएगा, कष्ट भी हमारी पर्याय नहीं है, हमारा नहीं है, और पुण्य भी हमारा नहीं, पाप भी हमारा नहीं, दुख भी हमारा नहीं। सब क्षण भर की चीजें हैं, आज हैं कल रहे ना रहे। इसमें जो समता भाव संतोष भाव रखता है वही पाप कर्म से बच पाता है। पुण्य पाप की बात सुन ली, पुण्य क्या है, पुण्य कारण क्या है? किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, तुमने उसकी प्रशंसा कर दी, ये उसका पुण्य था। किसी ने गालियां दी, आपने उसको दुर्व्यवहार कर दिया, ये उसका पाप कर्म का उदय था। पुण्य कार्य, किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया और उसके निमित्त में हमें पुण्य उपार्जन का अवसर मिला। आपने किसी ने अच्छे कार्य की अच्छी बोली ले ली और आपने उसकी तालियां बजा करके समर्थन कर दिया, उसने पुण्य तो किया ही किया है और आप सबने सहयोग दे करके तालियों का पुण्य का अवसर पा करके पुण्य कमा लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे
अरहसागर गुरु भक्त परिवार।